दिमाग दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज है और इसे वैज्ञानिक रोज कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि ये आपका ही तो दिमाग है और इसके बारे में नई बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ऐसी बहुत सारी गजब बातें सामने आई जो आपको हिलाकर रख देगी, जैसे दिमाग भूतों को कैसे सेंस करता है और पढ़ते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। स्टे ट्यून्ड। नंबर 8, आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा। लेट्स एडमिट इट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन भर में आप ऐसी कई चीजें सोचते हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है? जी हाँ, ये ओवरथिंकिंग है। इस दुनिया का लगभग हर एक इंसान ओवरथिंकिंग करता है, मतलब हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता है, अपने अंदर ही डिस्कशन करता रहता है। पर नए रिसर्च में ये पता चला है कि दिमाग भी एक मशीन की तरह है। आप इसका जितना रिजिडली इस्तेमाल करोगे उतनी ही जल्दी उसकी ताकत और जिंदगी कम होते रहेगी। आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको जरूरत हो। पर आप ये करोगे कैसे, अपने विचार को कैसे रोकोगे? इसका आंसर है अवेयरनेस, यानी स्थिर रहना, हर चीज को देखना, जागरूक रहना। जैसे आप रोड पर चल रहे हो तो रोड पर चलते समय भी जनरली आप कुछ ना कुछ सोचते सोचते चलते हो, तो इसके बदले आप थोड़ा स्थिर होके बाकी चीजों को देखने की कोशिश करो। रोड पे चल रहे हो तो कॉन्शियस होके चलो, आसपास के पेड़ पौधों को देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो। ये सब करोगे तो आपका दिमाग दूसरे चीजों को करने में बिजी रहेगा, तो आपका दिमाग कुछ सोचेगा नहीं बल्कि सीखेगा। तो इसी तरह आप अपनी ओवरथिंकिंग को कम करो, इससे आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। नंबर 7, आप अपने दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बना सकते हो। न्यूरॉन्स आपके दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो आपकी ब्रेन की क्षमता को तय करता है, मतलब जिनको आप इंटेलिजेंट कहते हो, उन लोगों के न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत मजबूत होता है, और जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उनका न्यूरॉन ठीक से काम नहीं करता। तो आपके दिमाग में जितने न्यूरॉन्स होंगे उनकी मात्रा जितनी होगी आपका दिमाग भी उतना ही तेज काम करेगा। पहले ये बिलीव था कि किसी इंसान के न्यूरॉन्स तभी बनती है जब वो एक बच्चा होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनका नया न्यूरॉन बनना बंद हो जाता है और 18 साल के बाद बनता ही नहीं है। पर नए रिसर्च में ये पता चला है कि आपका दिमाग सिर्फ 18 साल तक नहीं बल्कि जिंदगी भर नए नए न्यूरॉन्स बनाता रहता है, और उस समय तक बनाता रहता है जब तक वो इंसान जिंदा है। दिमाग के साइंस की माने तो ये एक गजब बात है। आप कहोगे कि न्यूरॉन्स बनते हैं, वो तो सही बात है, पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्या काम की है? तो भाई, काम की बात ये है कि आप खुद इस न्यूरॉन के बनने को और तेज कर सकते हो। आपको ये तो पता चल गया है कि किसी भी उम्र में ऑटोमेटिकली नए नए न्यूरॉन्स आपका दिमाग बनाता है, ठीक है, पर आप न्यूनेस के जरिए इस प्रोसेस को और भी तेज कर सकते हो। मतलब अगर इसे गाड़ी की स्पीड से तुलना करें, ये बस एक एग्जांपल है, तो अगर आपकी न्यूरॉन के बनने की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो आप 120 किलोमीटर पर आवर तक न्यूरॉन्स के बनने की गति को बढ़ा सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूनेस क्या है, तो भाई न्यूनेस का मतलब नई नई चीजों को अनुभव करना। एक बच्चे के दिमाग में इतनी तेजी से न्यूरॉन्स क्यों बनते हैं और बच्चों की 6 साल तक की उम्र में ही ज्यादातर न्यूरॉन्स क्यों बनते हैं? ये इसलिए क्योंकि उस समय बच्चे के लिए ये दुनिया बहुत नई होती है, हर चीज उसे आश्चर्य वाली फीलिंग देती है। तो आप इस न्यूनेस को कैसे अनुभव कर सकते हो? आप इस न्यूनेस को अनुभव कर सकते हो नए नए जगहों पर घूम के, नई नई चीजें करके, या कोई भी ऐसी चीज करके जो आपके लिए नई हो। नंबर 6, आप अपनी इमेजिनेशन यानी सोच की शक्ति से अपने स्किल्स यानी अपने कला को मजबूत कर सकते हो। किसी भी चीज को सोचने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। सोच में बहुत शक्ति होती है। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक को कितने एथलीट्स यूज करते हैं। जब वो घर पे आराम भी कर रहे होते हैं ना, तब भी वो सोचते रहते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा काम करूंगा, उसमें वैसा करूंगा और ये सब। मतलब आप अपने किसी भी स्किल को मजबूत करने के लिए सोच का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वो एथलीट करते हैं। जैसे मान लो आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नए अनजान लोगों से कैसे बात करें, तो आप ये सोचो और गहरी तरह से सोचो कि आप एक नए इंसान से बात कर रहे हो। उस नर्वसनेस को इमेजिन करो ताकि आप उसे ओवरकम करके नई नई चीजों को सीख सको। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कई लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा और कहा कि वो ये सोचे कि वो एक बिल्डिंग से नीचे लटके हुए हैं और वो गिरने वाले हैं। बस ये सोचने भर से ही दिमाग का ग्राफ पूरी तरह से हाई हो गया और यहाँ तक कि कुछ कंटेस्टेंट्स के हाथों पर पसीना भी आ गया। सोचो ये कितना शक्तिशाली है।
और आप इसी शक्ति को किसी भी चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बिना उस चीज को किए। ये एक बहुत ही गजब बात है। नंबर 5, ज्यादा चीनी का सेवन आपके दिमाग की इफिशियंसी कम कर देता है। नई रिसर्च में ये पता चला है कि चीनी आपके दिमाग के बीच के न्यूरॉन कनेक्शंस को कम कर देता है। इसके चलते आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी तर्क करने की शक्ति कम हो जाती है। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया था कि ये आपके सेल्फ कंट्रोल को कम करता है, यानी आप नशे के शिकार हो सकते हो। यहाँ तक कि इसके ज्यादा सेवन के चलते आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसका क्या हल है? क्या चीनी खाना छोड़ दो? इसका उत्तर है बैलेंस। चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर बैलेंस्ड मोड में किया जाए तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है। इसलिए इन रिसर्चेस का ये कंक्लूजन है कि आपको मीडियम मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ज्यादा और ना ही बहुत कम। नंबर 4, कम सोना आपके दिमाग की शक्ति को कम कर देता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि कम सोने से आपके दिमाग की शक्ति कम हो जाती है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने ये पता चला है कि सोते वक्त आपका दिमाग टॉक्सिक कंपाउंड्स यानी जहरीले पदार्थों को आपके शरीर से निकालता है, और अगर आपको अच्छी नींद ना मिले तो वो जहरीला पदार्थ आपके दिमाग में कंजेस्ट हो जाता है, और इसके चलते आपकी मेमोरी पावर से लेकर प्रोडक्टिविटी सब कम हो जाती है। नंबर 3, जिंदगी में तनाव आपके दिमाग को चूर चूर कर सकता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी तनाव ही सारे बीमारियों की जड़ है। एग्जाम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप में स्ट्रेस, घर के माहौल में स्ट्रेस, ये चीजें आपको सुखद जिंदगी नहीं जीने देगा। स्ट्रेस आपके समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति और सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर देता है, इसलिए तनाव से दूर रहो। नंबर 2, किताबों को रीड करना आपके दिमाग के लिए सबसे हेल्दी हैबिट है। नई रिसर्च में ये पता चला है कि रीडिंग करना आपके दिमाग की फुल कैपेसिटी खोल सकता है। कई ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप हजारों किताबों को फ्री में पढ़ सकते हो, और वो भी अपने स्मार्टफोन में। इसलिए जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसका PDF डाउनलोड करो और पढ़ो। जो फील्ड आपको रोचक लगती है उस फील्ड की किताबें जरूर पढ़ें। उससे आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं और आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट का क्या पढूं? तो दोस्त, ऐसे कई फील्ड हैं, जैसे आप मोबाइल के अंदर के पार्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो, प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ सकते हो, मोबाइल की ऐप बनाना सीख सकते हो। सबकी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को ये पता चला कि रीडिंग आपके दिमाग के कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है, और रीडिंग करते समय आपके दिमाग के ऐसे कई हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो सामान्य तौर पर नहीं होते। आपका दिमाग का वो हिस्सा जो फोकस और मेमोरी के लिए होता है उसमें ज्यादा ब्लड पहुंचने लगता है। मैं हमेशा एलोन मस्क का एग्जांपल देता रहता हूं, पर आपको ये फैक्ट तो जान ही लेना चाहिए कि अरबपति एलोन मस्क का सक्सेस का राज भी वही है। वो हिम्मती तो थे ही, पर साथ साथ वो किताब के कीड़े भी थे। पर किताब के कीड़े से ये मत समझना कि स्कूल की किताबों की बात कर रहा हूँ मैं इंटरेस्ट की किताबों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो एक बार खुद कहा था कि स्कूल को वो हेट करते हैं, वो उनके लिए टॉर्चर था। खुद सुन लीजिए। A good sign, you know. I mean, I hated going to school when I was a kid. It was torture. So the fact that तो वापस रीडिंग के बात पर आए, तो रीडिंग आपके दिमाग को इतना फायदा पहुंचा सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अपने पसंद का PDF डाउनलोड करके उसे जरूर पढ़ें। नंबर 1, दिमाग कुछ अजीब शक्तियों का एहसास कर सकता है। भूत प्रेतों की बातें आते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये बकवास है, पर फैक्ट सुनिए। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं एनर्जीज को पकड़ने के लिए, जैसे EMF मीटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तो आपका दिमाग भी ये सेंस कर सकता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने 6th सेंस के बारे में ये बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई घटना होने से पहले ही आपको सूचित कर देता है। तो उन्हीं पावर्स की मदद से ये दिमाग उन एनर्जीज को भी सेंस कर सकता है। देखो भाई, अब इन बातों के बीच में इस बात को मत लाना कि भूत होते हैं कि नहीं। सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई मानता है और कोई नहीं मानता, पर ये लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। उन लोगों को कभी कभी किसी चीज के होने का एहसास होता है। तो शायद इवोल्यूशन के चलते हमारे दिमाग की शक्तियाँ बढ़ रही है, और भविष्य के इंसान शायद वो सब देख सकें जो आप आज नहीं देख पा रहे हो। तो आप बताओ कि क्या आप भूतों पर यकीन करते हो? आपका राय मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नीचे कमेंट करना मत भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।